कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 हम इसका 14वां प्रश्न करने जा रहे हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में का मतलब ऐसे उड़ रहा है सीधा, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात है। तो बच्चे इसमें देखिए, मान लेते हैं कि ये एक लड़की है जिसकी जो हाइट है वो है 1.2 मीटर और यह धरती, ये जो नीचे मैंने बनाई है यह धरती, ठीक है। तो गुब्बारे की जो हाइट है वो धरती पर से है 88.2 मीटर, लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, तो पूरी हाइट 88.2 में से हम गुब्बारे की हाइट में से हम लड़की की हाइट माइनस कर देते हैं, क्योंकि लड़की की आंखों से जो उन्नयन कोण दिया हुआ है, उसके पैरों से नहीं उसके आंखों से उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो हम 88.2 मीटर में से हम यहां लिखते हैं ऊंचाई बराबर 88.2 मीटर, इसमें से 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 87 मीटर, ठीक है। तो इसके बाद से हम ये नीचे वाला जो है इसको अभी मिटा देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो हमने डी गुब्बारा जो है यहां है, ये गुब्बारे की हाइट है जो कि लड़की की आंख की हाइट से हमने माप लिया है। थोड़ी देर में गुब्बारा जो है उड़कर इस बिंदु पर आ जाता है। इसकी जो हाइट है अगर ये 87 है, ये क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है तो इसकी हाइट भी 87 मीटर होगी, ठीक है। तो हमने ये दोनों त्रिभुज अलग अलग बना दिए, त्रिभुज ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज हमने यहां बना दिया, और त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ई सी डी, ये हमने यहां पर अलग से त्रिभुज बना दिया। तो इन दो त्रिभुजों से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हमें निकालना है कि गुब्बारा जो है यहां से उड़कर यहां गया तो इसने कितनी दूरी, यानी कि BC जो है ये हमें निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। 87 मीटर हाइट हो गई। सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूं ECD, इन ट्रायंगल ECD परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर होता है tan थीटा के। परपेंडिकुलर बटा बेस का फॉर्मूला है tan, और tan थीटा कितना है 60 डिग्री। अब परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 87 मीटर बटा बेस, बेस है CD और यह बराबर है tan 60 डिग्री के। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट तीन। यहां से CD इसके साथ गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा, सॉरी भाग हो रहा है उधर जाके हो जाएगा गुना, रूट तीन इधर है ये इधर जाके हो जाएगा भाग, तो ये हो गया 87 बटा रूट तीन बराबर CD। क्योंकि हम यहां पे इसको अभी छोड़ रहे हैं, यदि हमें जरूरत होगी तो हम इसकी हल का परिमेयकरण बाद में करेंगे। तो आइए हम अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में भी हम टैन ही लगाएंगे, परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर है टैन, और इस त्रिभुज में जो कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है फिर से 87 मीटर बटा बेस है बी डी और यह बराबर है टैन 30 के। टैन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। यहां से आप देखिए रूट तीन इसके साथ भाग हो रहा उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, बी डी यहाँ एक के साथ गुना होगा तो ये आ गया बी डी, ठीक है। अब यदि हम आकृति को ध्यान से देखें, हमें निकालना है बी सी है किसके बराबर होगा, पूरी लेंथ बी डी में से सी डी माइनस कर दो। तो यही मैं यहां लिखने जा रहा हूं, बी सी बराबर होगा टोटल लेंथ बी डी, उसमें से हम छोटी लेंथ सी डी को माइनस कर दो। अब बी डी हमारे पास, हमने यहां निकाला है बी डी हमारे पास आया है 87 रूट तीन
माइनस सीडी, सीडी हमने यहां पे निकाला था मीटर, 87/√3 मीटर बटा रूट तीन मीटर मीटर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो लघुत्तम है एक, रूट तीन और एक का जो लघुत्तम होगा वो होगा रूट तीन, रूट तीन, रूट तीन को एक से भाग किया रूट तीन, तीन, रूट तीन को रूट तीन से गुना किया तीन, तीन को 87 से गुना कर दो, 7 + 21 हासिल आया 2, 8 + 24 और 2 = 26 आ गया 261 माइनस माइनस रूट तीन को रूट तीन से भाग किया एक को ऊपर 87 से गुना कर दिया, अब ये आ गया 11 में से 7 गए 4, 16 में से 8 गए 8 और 1, 184 बटा रूट तीन। क्योंकि हमारे पास हर में रूट आ रहा है तो हम इस हर का शायद परिमेय हम पॉज करना वीडियो। यहाँ एक गलती है वो है माइनस की, 11 में से 7 निकाले 4 तो यहाँ आना था 15 में से 8 निकाला 7, ठीक है। अभी हमारे पास हर में रूट है, इसका हम परिमेयकरण करेंगे, इसको ऊपर भी रूट तीन से गुना करके और नीचे भी रूट तीन से गुना करके, तो आइए देखिए ये बन गया 174 गुना रूट तीन बटा नीचे आ गया रूट तीन को रूट तीन से गुना कर दो 3, ये 3 से ये कट जाएगा 5 + 15 हासिल आया 2, 2 + 4 = 24 8 + 24 मीटर। तो हमारा जो उत्तर आ गया वो आ गया 58√3। तो ये जो है 58√3 मीटर क्या आया है, बीसी, बीसी का मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो हम यहां पर लिख देंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। तो यही इस प्रश्न का उत्तर था।